स्वागत है आपको वॉइस ऑफ फैमिली में। इस वक्त मैं हूँ आपके साथ महक और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फैमिली न्यूज चैनल। इस वक्त बड़ी अपडेट की बात करें तो शिवपुरी के पिछौर थाना अंतर्गत स्टेट बैंक में एक लूट की घटना सामने आई है। जहां बैंक में कैश डिपॉजिट करने गए युवक को बदमाशों ने अपना निशाना बनाया और युवक के बैग से 50,000 उड़ा ले गए। जहां ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी जो मिली है उसके अनुसार फरियादी देवांश गुप्ता सुबह 11 बजे बैंक में 4 लाख जमा करने गए थे और देवांश अपनी बारी का इंतजार कर रहा था और उसी वक्त उसने अपना बैग काउंटर पर रखा था। जी हाँ, जब देवांश की बारी आई और बैंक कर्मी ने नोट गिनना शुरू किए तो उसने नोटों की कमी आई उसमें, और जिसके बाद मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब सीसीटीवी कैमरे तलाशे गए। जी हाँ, फुटेज में सामने आया कि एक युवक मुंह पर मास्क बांधकर काफी देर से बैंक के बाहर देखी कर रहा था, जिस तरह से आप एक साइड में तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो है फिर मौका पाकर बैंक के अंदर ही अपने साथी के इशारे पर इस लूट को अंजाम दिया गया। जी हाँ, और बदमाशों ने काउंटर से 500 की एक गड्डी उठाई जिसमें करीब 50,000 रुपए थे। जी हाँ, वही बाद में मौका पाकर बदमाश फरार हो गया और इस पूरी घटना के समय फरियादी मोबाइल पर बात करने में व्यस्त रहा। जिस तरह से आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है, वही इस पूरी घटना की जानकारी पिछौर पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके की जांच में जुट गई है। जिस तरह से आपने जाना है पूरा अपडेट, वही से तमाम जानकारी और लगातार आगे की अपडेट्स के लिए वॉइस ऑफ फैमिली के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।